गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब क्या हाल चाल है, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, क्या बात है क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को हम राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। जी बिल्कुल, आप अपनी आंखें मल लीजिए, कुछ ऐसा नहीं हुआ, आपकी नज़र बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। सबीन वाकई सेट पे नहीं है, आज सबीन छुट्टी पे है और राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को आज मैं अकेला ही लेकर चलूंगा। लेकिन आज सेगमेंट्स बहुत ही पुरलुत्फ और मज़ेदार हैं। आपको पता है मूड बोर्ड क्या होता है? मूड बोर्ड क्या होता है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, इस वक्त स्क्रीन पे आवेज़ा है, और बताइए कि मूड बोर्ड किस प्रोफेशन में इस्तेमाल होता है। आज इसी हवाले से बात करने आ रहे हैं अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला मंसूर, जो कि पाकिस्तान के क्लीयरिंग इंटीरियर डिज़ाइनर, एक्सटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट हैं, और ये बताने जा रहे हैं कि मूड बोर्ड का आपके घर की डेकोर से क्या ताल्लुक है। ये तो हो गया ना घर को सजाने का तरीका या दफ्तर को सजाने का तरीका, लेकिन सवाल हमारा वही है कि मूड बोर्ड किस प्रोफेशन में प्रोफेशनली इस्तेमाल होता है और ये क्या चीज होती है। अच्छा जरा आप अब्दुल्ला भाई की गपशप और बातों के अलावा आज आपकी हमने मुलाकात करवानी है एक ऐसी शख्सियत से कि जो कि स्क्वॉश की दुनिया जी के एक लिविंग लेजेंड है। इन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया बहुत साल पहले जब ये स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन बने, 3 बार चैंपियन रहे और 11 बार सेकंड नंबर 2 सीडेड रहे हैं। मोहतरम कमर जमान साहब आज राइजिंग पाकिस्तान में हमारा साथ देंगे। हम इनके यहाँ गए, जी हाँ हम गए पेशावर। आपको पता है आजकल हम आपको कुछ एपिसोड्स दिखा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान के, जो मैं और सबीन पेशावर गए और वहां जाके हमने कुछ इनक्रेडिबल मजेदार दोस्तों के इंटरव्यूज किए। उसमें से आज का सिलसिला कमर जमान साहब के साथ मुलाकात का सिलसिला है। इतनी मजेदार, इतनी हिलेरियस, मतलब एक जॉयफुल नशिस्त थी, जॉयफुल हाँ, यानी कि आप पर मसरत नशिस्त, मैंने कहा उर्दू तर्जुमा भी साथ साथ तो शरीफ भी होते रहनी चाहिए। और ये आज के साथ, आज की ये नशिस्त आपके साथ हमने शेयर करनी। इसके अलावा क्या है जी, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा प्यारा टून टून कार्टून होगा और उससे पहले प्यारी प्यारी मिलियन डॉलर एडवाइस होगी आप सबके लिए, जो कि अब बच्चों से ज़्यादा बड़ों में मकबूल होने लग गई है। और हमें जो फीडबैक मिलता है, आमना मुझे बताती है कि क्योंकि बच्चों के लिए ये एडवाइस ना कहा करें तौसीक अंकल, ये सब बड़ों के लिए भी बात भी सही है कि बचपन से ही हम आदत अपनाएंगे तो बड़े होने तक हमारी ज़िंदगी में काम आएंगे। और अगर आप बचपन में कोई आदत अपना नहीं सके और उस मिलियन डॉलर एडवाइस में हम उसका जिक्र करते हैं तो आप बड़े होके भी उस पर अमल कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। सोशल मीडिया सेगमेंट तो हो गई, जो कि आपका फेवरेट सेगमेंट है, आपकी भेजी गई वीडियोस, तस्वीर और पैगामात से हम उसे सजाते हैं। तो ये है जनाब आज के राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन और इसके डब्बों को छुक छुक करके हम चलाएंगे, जाएंगे ब्रेक पे और उसके बाद ये सब चीज़ें आपकी खिदमत पे पेश की जाएंगी। चलो जी, कैसे घर में भी और सब लोग स्टूडियो में भी आवाज़ आएगी ट्रेन की, कैसे जी? प्यारे प्यारे बच्चे तैयार हो जाएं तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस के लिए। और आज के जो मिलियन डॉलर एडवाइस है, ये सुन के अम्मियां बहुत खुश होने वाली हैं, अब्बू भी बहुत खुश होने वाले हैं। हम तो कहते हैं तौसीक अंकल आपकी बात मानेंगे बच्चे। भाई आई होप के बच्चे माने, और हमें जो फीडबैक मिलता है वो वाकई मेरे काम को और ज्यादा मुश्किल बना देता है, इसलिए कि जब पता चलता है कि तौसीक अंकल मिलियन डॉलर एडवाइस जो भी दे रहे हैं उस पर बच्चे अमल कर रहे हैं, तो अब जरा एक कंधों पे शानों पे जिम्मेदारी का एहसास और बढ़ता जा रहा है। आज जो आपसे बात करनी है प्यारे बच्चों, वो आपकी हेल्थ के हवाले से है और आपके प्यारे प्यारे खूबसूरत दांतों के हवाले से। ये टॉफियां, च्युइंग गम्स, कैंडीज, जी ये मज़े मज़े की तो बहुत लगती हैं और अम्मी भी अपने जान छुड़ाने के लिए कहती हैं, अच्छा ये लो पकड़ो पैसे, जाओ बाहर से दुकान से कुछ ले लो, कुछ खा लो, है ना। लेकिन हमने ये ज़रूर देखना है कि ये बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से हमारे दांत खराब होते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर, अब हम ये भी नहीं कहते कि आप एंजॉय ना करें जिंदगी को, आप अपनी पसंद की कैंडीज ना खाएं, अपनी पसंद की टॉफियां ना खाएं, ये भी मैं नहीं कह रहा,
मैं ये कह रहा हूं कि हर वक्त ना खाएं, कम कम खाएं, और अगर खाएं तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एडवाइस के अंदर, मिनी एडवाइस क्या है, अगर खाएं तो इमीडिएटली पानी से कुल्ली करें, दांत साफ करें, ताकि वो मीठा या उसके जो जर्रात हैं जो चीज आपने खाई है वो दांतों के दरमियान ना रह जाए और फिर उसको कीड़ा ना लग जाए। ठीक है जनाब, तो ये आपने बात याद रखनी है कि कैंडीज, टॉफियां, च्युइंगम, चॉकलेट्स, यम यमी यम यमी यम यमी, लेकिन नहीं, कम कमी कम कमी कम कमी कम कम हमने इस काम को करना है।